हाय मॉम, हेलो। क्या कर रहे हो आप? बताती हूँ, देखो देखो देखो, ये इसे आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसे वालर बोलते हैं। वाओ, और ये मेरा घर है। और ये हमने यहाँ पे वालर का पौधा लगाया था, तो इसमें ढेर सारी वालर आई है। तो ये देखो, पक चुकी है अभी से। वाओ, ये देखो, यहाँ भी है। हाँ, बहुत सारी, और ऊपर तो बहुत है। यहाँ पे भी है, इधर है। ऊपर तो सीढ़ी लेके चढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं आज वालर कट कर रही हूँ। ओके, और इसकी फिर हम सब्जी बनाएंगे। ओके, चलिए। वालर की एकदम फ्रेश है, यहाँ तक ऊपर तक है। हाँ, ऊपर तक है, बहुत आई है, बहुत सारी। इसका हम आज सब्जी बनाएंगे। ओके, वालर। तो देखिए, ढेर सारी वालर हमने उतार ली है। इसमें से कुछ वालर को मैंने धो लिया है, और अभी हम इसमें से इस तरह से, इसका एक तरीका होता है ये निकालने का, इसके जो तार होते हैं ना साइड में, उसे इस तरह से निकालते हैं। वाह, बहुत इजीली निकल जाते हैं। हाँ, और ऐसे खोल खोल के हम देख लेंगे, क्योंकि हम आज साबुत वालर का ही सब्जी बनाने वाले हैं। तो ऐसे पूरा जितनी भी वालर है जो हमें आज सब्जी बनाना है, उसको इस तरह से हम खोल लेंगे। अंदर से बीज वगैरह वो नहीं निकालने, नहीं निकालना है। और ये वाइट वालर है, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगा इसका। तो पूरी वालर मैं इस तरह से खोल लेती हूँ। हाँ मॉम, तो अभी क्या करना है हमें? अभी वालों रेडी हो चुकी है जी। यहाँ पे हम मसाला करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन वाली चटनी ली है। वाओ। दो कली लहसुन की कूट के उसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और नमक डाल के अच्छे से कूट लिया है जी। एक छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर है, छोटी चम्मच हल्दी है, हल्का सा नमक है क्योंकि नमक हमने इसमें डाला है, और हरी धनिया है। ऑलराइट, ये सब मसाला हम वालर में स्टफ़ करने वाले हैं, तो इसे सब बराबर मिक्स कर लेंगे। ओके, मसाला रेडी हो चुका है। इस तरह से हमने जो वालर को खोला था जी, एक बार अंदर देख भी लेते हैं कि कुछ है नहीं, एकदम अच्छी है। ये जो मसाला है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें हम इस तरह से भर देंगे। शायद ही किसी ने स्टफ वालोर बनाई होगी। हाँ, मैंने तो पहली बार सुना है। अक्खी वालोर की सब्जी। तो ऐसे ही हम पूरी वालोर, ये जो मसाला है ना, वो सब इसमें डाल देंगे। ओके, वालोर की सब्जी में डालने के लिए टमाटर भी हम अपनी वाड़ी का ही फ्रेश टमाटर ले लेंगे। देखिए कितना मस्त हुआ है, और भी है। तो सब कुछ हम जो ले रहे हैं वो घर के गार्डन से ही ले रहे हैं, एकदम ऑर्गेनिक। तो और ऑर्गेनिक। अभी हम करेंगे इसका तड़का। एक चम्मच भर के मैंने यहाँ पे तेल लिया है। ओके, तेल गरम हो चुका है। थोड़ी सी राई डालेंगे। ओके, राई थोड़ी सी फूटने के लिए वेट करेंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। एक मीडियम टमाटर कट करके रखा है वो डाल देंगे। अभी हम यहाँ पे टमाटर के हिसाब का या टमाटर के हिस्से का मसाला करेंगे। ओके, एकदम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे जी, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, एकदम थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत है लहसुन वाली चटनी में जी। मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे एक कप पानी लिया है मैंने, वो हम इसमें डाल देंगे, और पानी को उबलने देंगे। ओके,
टमाटर के साथ पानी उबल गया है, अभी ये जो वालर है वो इसमें हम इस तरह से छोड़ देंगे। ओके, और ये थोड़ा सा मसाला है वो भी इसके ऊपर हम डाल देंगे, और अभी कुकर को बंद कर देंगे और एक विसल करेंगे। एक विसल हो चुकी है, कुकर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अभी हम इसे खोल के देख लेते हैं। ओके, ओ वाओ, देखो मस्त साबुत वालोर। यस, वालोर पापड़ी रेडी है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। ओके, तो देखिए रेडी है बरवा वालोर स्टफ्ड वालोर पापड़ी या आखी वालोर नु साग। बहुत ही बढ़िया वाली एकदम खुशबू आ रही है, है ना? हाँ, जबरदस्त। अभी क्या करना है मोम? बस इसे थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अरे वाह, इसे आप रोटी पराठा नान पूरी किसी के बस किसी साथ के खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं जी। तो जल्दी से बनाइए आखी वालोर की सब्जी। यस, और हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यस, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।